सर एक्चुअली बहुत ही थ्रिलिंग एक्सपीरियंसेस आपने जो बताया, जो आपके एक्सपीरियंस के ड्यूरिंग हुए थे. इसके बाद द लेजेंड दैट वी आर गोइंग टू नो इज दोरजी लातो. ये नाम सुनने के बाद ऑब्वियसली सबके मन में यही सवाल आया होगा कि ये नाम थोड़ा सा शेरपा कम्युनिटी से बिलोंग करता है. सो व्हाट इज द बैकग्राउंड ऑफ द दिस लेजेंड, और वो जब दार्जिलिंग में सेट हो गए उसके बाद उन्होंने उनका पहला एक्सपीडिशन कब किया? हमारे में वो कहते हैं कि शेरपा इज अ काइंड ऑफ अ कम्युनिटी, इट इज ऐसे ऑर्डिनरी वो पोटर से ऐसा नहीं है, दे आर शेरपा। मतलब नेपाल के अंदर एक सोलो खुम्बु करके जगह है, उसमें जो एवरेस्ट के नीचे खुम्बु डिस्ट्रिक्ट है, वहां के रहने वाले स्पेशल लोग वो शेरपा है। उनकी कुछ ताकत ही अलग है, उनका सब स्टेमिना भी अलग है, और उसकी चढ़ने की टेक्निक और वो भी सब अलग है। और ये शेरपा एक जमाने में एवरेस्ट के एक्सपीडिशन दार्जिलिंग से जाते थे, तो नेपाल से माइग्रेट करते 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 आके दार्जिलिंग में बस गए। वो शेरपा में दार्जिलिंग में बड़ी बस्ती हो गई और दैट इज वन ऑफ द मेजर सेंटर फॉर शेरपास। पर अभी जो लाटू है, आज सबसे सीनियर शेरपा दार्जिलिंग में अलाइव है, इज 84, तो वो दार्जिलिंग में है। परंतु ही कम्स फ्रॉम नॉट नेपाल, बट ही कम्स फ्रॉम तिबेट, सो दैट इज टू बी सीन। तो दोरजी लाटो इज बेसिकली अ तिबेटन, बट तिबेटन शेरपा। बहुत सालों को जानो पहले उसके पेरेंट्स और सब तिबेट में चुंबी वैली में जाके सेटल हो गए, अभी जो डोकलाम का झगड़ा हुआ उसके बाजू में। और इज वेरी हैंडसम मैन एंड वेरी ब्रिलियंट, वेरी फिट, और खूब पढ़ा लिखा, खूब इतनी मेहनत से इतना उसने पढ़ा लिखा है कि विच इज रेयर फॉर अ शेरपा। उसने इंग्लिश की किताबें और वो भी इतनी सब पढ़ते हैं, और वेरी वेल एजुकेटेड, और उसके लड़के भी काफी सब आगे बढ़े हैं। सो ही स्टेड इन दार्जिलिंग, बट दिस इज द विलेज ही केम फ्रॉम, चुंबी वैली में देर इज अ स्मॉल विलेज कॉल्ड यातुंग। यातुंग विलेज से वो जब यंग था तभी वहां से आया, और पास क्रॉस करके, जेलपला पास क्रॉस करके आ गया। वहां यंग हस्बैंड का एक बड़ा एक्सपीडिशन भी गया था, सो लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग हियर। तो उसके वजह से उसको थोड़ा ब्रिटिश का भी कांटेक्ट हुआ था, और वो हिसाब से कंप्लीटली ये ऊपर आके धीरे धीरे फिर दार्जिलिंग में आके बस गया। और उसके घर के ऊपर ही एक पीक है जो भूटान और इंडिया के बॉर्डर पे है, चोमो लाहिरी। ये अबाउट वेरी डिफिकल्ट पीक, और अभी तक वो टाइम तक तो कोई चढ़ा नहीं था। सो आफ्टर अबाउट 10 ईयर्स लिविंग इन दार्जिलिंग, वो HMI हिमालयन माउंटेन इंस्टीट्यूट में उसने काम किया, और वो टेक्निकली भी बहुत एक्सपर्ट था। वो थोड़ा टाइम आर्मी में भी उसने काम किया, तो यार इंडिया और भूटान आर्मी का एक जॉइंट एक्सपेडिशन हुआ साथ में टू क्लाइम दिस पीक चोमो लारी। वो उसके अंदर वो गया, इसके पीछे से वो जो भूटान से वो लोग इंडियन एंड भूटान एंड जॉइंट एक्सपेडिशन आके यहाँ आए, तो पहले लगभग 1 महीने के बाद लाटू और एक इंडियन कैप्टन, तो दोनों चोमोलारी के समिट में पहुंचे। और वो सबसे पहला सक्सेसफुल था, दोनों ने फोटो लिया और वापिस आए। फिर दूसरे दिन दो इंडियन ऑफिसर और एक भूटान अमेरिका ऑफिसर, ये भी चढ़ने को चले सेकेंड अटेम्प्ट। तो पहले बात हो गया, फिर दूसरा चढ़ेंगे। तो वो लोग ऊपर पहुंचे और वापिस आए नहीं कभी। तो 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, फिर काफी उसके अंदर वो चिंता होने लगे कि भाई कहाँ गए, क्या हो गया, ये दिख रहे उसके नीचे गिर गए कि ऊपर है कि क्या है। वो भी लाटो भी फिर गया, काफी ऊपर तक तो नहीं जा सकते, नीचे से काफी इंक्वायरी किया। फिर दूसरे एक में ये भी था कि ये जो हमारे सामने दिख रहे हैं वो चाइनीज टेरिटरी है, पीछे भूटान। तो क्या चाइनीज में वो गिर गए, तो चाइनीज ने उसको गोली मार के गिरा दिया, वो भी काफी चीज हुआ। फिर उन्होंने चाइनीज को पूछा तो दे ऑल्सो सेड कि नहीं, हमने कुछ नहीं किया है और यहाँ हमको कोई किरे वो भी नहीं मिले। सो हिसाब से चोमो लारी का जो हिस्ट्री था उसमें खाली लाटू और ये कैप्टन साहब था, वही दोनों चढ़े हुए हैं, बाकी अभी तक कोई भी जिंदा नहीं बचा और वापिस है। उसके बाद फिर भूटान ने ये पीक को चढ़ने के लिए बंद कर दिया। सो लाटू का इज ओनली एक्सपेडिशन जिस क्लाइम चोमो लारी। चोमो लारी इज इन चुंबी वैली, और यहाँ नीचे आप देख रहे हो अक्का। 1903 में जब यंग हस्बैंड एक्सपेडिशन यहाँ से तिब्बत को गया, तभी ये सब ये लेके गए थे वो लोग अपनी गन्स थोड़ा थोड़ा। और वो टाइम तक मजे की बात ये है कि टिबेटन ने कभी जिंदगी में व्हील देखा नहीं था,
साइकिल या तो कोई व्हील, वहां इतना खराब वो टेरेन है ऊपर नीचे, तो लोग जानवर पे लेके जाते थे, कुछ सामान उठाते थे, कभी यह व्हील से गोल राउंड से दिखाई नहीं था। तो दिस वाज अ गन के हिसाब से लोग ज्यादा व्हील देखने को आते थे कि ये व्हील में गन कैसे चलती, तो दैट वाज आल्सो बिग इनोवेशन फॉर देम कि भाई ये हमको ये व्हील देखने को मिला। वो टाइम दार्जिलिंग एक बड़ा सेंटर था और वहां पे एक इमान क्लब का सेंटर के अंदर भी सब बैठ के लोग पूरा शेरपा का रिकॉर्ड रखते थे। वो रिकॉर्ड से हिसाब से जिसको जो एक्सपेडिशन में जहाँ जाना होगा उसको अलग अलग अलर्ट करते थे, भाई तू एवरेस्ट जा, तू यहाँ जा, तू वो जा। तो उसके लिए भी वो लाटू वॉज बहुत काम आता था क्योंकि पढ़ा लिखा था। और लाटू वॉज अल्टीमेटली मैरिड टू तेंजिंग्स का ब्रदर है गोम्बू, और गोम्बू की बहन को उसने शादी किया, ये तेंजिंग के राइट साइड में। तो वो लोग सब फिर वहां इकट्ठे हुए और HMI हिमालयन माउंटेन इंस्टीट्यूट में उसको इंस्ट्रक्टर की नौकरी मिली। तो वो वहां पे फिर अभी तक भी वही रिटायर वहीं से हुआ। तो तेंजिंग का और ये गोम्बू दाजू का वो खास फेवरेट था, उसने भी काफी उसमें मेहनत किया और काफी आगे बढ़ा और आल्प में गया, वहां क्लाइंबिंग किया और वेरी नाइस उसका। तो ईयर 2000 में जब मिलेनियम ईयर हुआ तभी हम लोग ने, मैं और वाइफ गीता और हम लोग गए थे, तभी ऑर्गेनाइज अ मेजर गैदरिंग ऑफ ऑल लिविंग शेरपास। वो टाइम दार्जिलिंग में जितने भी शेरपा और उसकी फैमिली थी हर एक को हमने बुलाया दार्जिलिंग के अंदर HMI में, और वहाँ लाटू ने वो सब ऑर्गेनाइज किया था। और वो टाइम बहुत लोग इकट्ठे हुए थे, जो पुराने नए शेरपा और काफी अमुक अमुक शेरपा तो 90s में और 80s में थे सब, तो बेचारे आज तो कोई है नहीं, तो वही टाइम खास आए थे और हम लोग ने काफी मजा किया और बातचीत किया। और उस दिन भी बहुत ठंडा था दिसंबर के अंदर, इसलिए हम लोग समझे कि आज दोपहर को इन लोगों को क्या गर्म सूप पिला रहे कि चाय पिला रहे कि क्या करे इतनी ठंडी के अंदर लंच में। पहले हम लोगों ने इसको पूछा शेरपाओं को, आप लोग क्या लेंगे, चाय बाय लेंगे, तो एकदम मुंह बिगड़ के, नहीं सर तो सीधा ब्रांडी ही पियेंगे। तो शेरपा का पूरा कल्चर ही हुई कि वो लोग मस्ती और इतने तगड़े, आप उसको 12-1 बजे चाय दियो तो भी उनका मुंह खराब हो जाता है, नहीं नहीं चाय बाय कुछ ब्रांडी आराम ही लाओ। बट बड़े तगड़े लोग हैं और बहुत फेमस और बहुत बहुत अच्छे लोग हैं। तो ये भी सब बूढ़े बूढ़े लोग के साथ हम लोग वहाँ खड़े हैं नवांग गोम्बू आज, इसमें से ऑलमोस्ट आगे मैं बैठा हूँ, मेरे को छोड़ के मेरी पीछे की पूरी लाइन है ही नहीं, सब पास आउट हो गए बेचारे। तो एवरीबॉडी सब तो न्यू, और वो टाइम का जमाने का हमारा बहुत बड़ा गैदरिंग था। अभी हिमालयन क्लब में तो वो टाइम 1928 से सिस्टम बनेंगे टाइगर का अवार्ड देने के, कोई शेरपा एवरेस्ट पे साउथ पोल पे या तो बहुत बड़ा अच्छा काम करेगा उसको टाइगर का बैच देते, इज अ टाइगर, और वो टाइगर का बैच बनाया था, दैट बिकम्स अ स्पेशल ब्रांड, ये टाइगर ब्रांड, ये टाइगर शेरपा है। और टाइगर शेरपा यानी एक अमुक उसकी कैटेगरी रहती है, जैसे अवार्ड हम लोग देते हैं, वो जमाने में लोग वेरी प्राउड थिंग, हर एक शेरपा वो टाइगर का लेके फरेंगे, और उसको एक बुक दी जाती थी, तो बुक में जो भी किसके साथ गया उसकी वो एंट्री कराता था शेरपा का, लीडर का, सबका, और उसका जो टाइगर का बैच मिला वो भी वो वेरी प्राउडली रखते थे। तो धीरे धीरे करके सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद 60s में ये सब सिस्टम बंद हो गई, और अल्टीमेटली जब 50-60 जो टाइगर्स थे उसमें ये लास्ट टाइम तो हमें 3 ही शेरपाए बचे थे, वो टाइगर्स सेंटर में नवांग गोम्बू है और ये खुद होती है और ये बाजू हुआ अपना गुरु जी, तो ये 3 ही शेरपा बचे थे 2000 में, आज वो भी तीनों नहीं है। सो टाइगर में अभी आजकल एक मेरे ख्याल से है दार्जिलिंग में, बाकी कोई बचा नहीं है, परंतु इट वॉज अ वेरी ग्रेट थिंग, एंड ये तीनों ने इतना अच्छा काम किया था पहाड़ों में, इतना ग्रेट वर्क, ये दे वर द रियल टाइगर्स ऑफ माउंटेन्स। ये हिमालयन माउंटेन इंस्टीट्यूट है वहाँ पे, जहाँ पे लाइफ लॉन्ग लाटू जी ने काम किया और बाकी भी शेरपा, ये पूरा उसका चौगान है, यहाँ पे यहाँ के सेंटर में लोग आते हैं, उसका स्टूडेंट लोग का ट्रेनिंग और सभी होता है, और ये उसका एंट्रेंस है, वहाँ पे वो लिखा है कि उसमें मे यू क्लाइम फ्रॉम पीक टू पीक, संस्कृत का उसने वो ट्रांसलेशन किया है कि आप बाहर चढ़ो, और यहाँ पे बहुत लोगों को ट्रेनिंग मिलती है, मैं भी 1963 में यहाँ ट्रेनिंग के लिए गया था और वो करके आया, और तेंजिंग भी यहीं पे उसने जिंदगी निकाली। नाउ लाटू ने अनदर क्या चढ़ा वो आपको बताऊं, बोलो। सर आपने दोरजी लातू के पहले आपने मतलब उनके पहले एक्सपीडिशन के बारे में आपने सब डिटेल्स बताई, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट फर्स्ट एक्सपीडिशन व्हाट वाज हिज ग्रेटेस्ट क्लाइम्स, उनके बाकी अचीवमेंट्स कौन से हैं और उन्होंने बाकी कौन सी पीक्स क्लाइम की? वेल लातू अभी बाय दिस टाइम हैड बिकम अ
ग्रेट क्लाइंबर और वेरी वेल नोन वेरी वेल पॉलिश्ड और फॉरेनर सब उसको ले जाना पसंद करते हैं क्योंकि इंग्लिश भी बोल सकता था ना सो वो हिसाब से उसको भी वो फर्क पड़ता है तो वो हिसाब से ही वॉज गोइंग ऑन डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेडिशन बट वन ऑफ द मेजर एक्सपेडिशन वॉज गोइंग टू नंदा देवी ये जो सामने आपको दो पिक नंदा देवी के दिख रही है उसके अंदर वो 1960s में हो गया और नंदा देवी एक ही बार तब तक चली गई थी 1936 में और ही वॉज टू मेक अ सेकेंड अटेम्प्ट टू इट तो फिर वहां पे गया और 81 में भी गया विद द इंडियन लेडीज टीम नंदा देवी इटसेल्फ इज अ वेरी चैलेंजिंग माउंटेन क्योंकि नंदा देवी सेंचुरी के अंदर जाना है और वो सेंचुरी में जाके आप फिर ये पहाड़ को चढ़ो तो 9-10 दिन का तो ट्रैक के बाद आपका क्लाइंबिंग चालू होता है और उसके अंदर जो आपने किसी भी तरह का जो मिस्टेक किया तो बहुत तकलीफ पड़ता है तो वो हिसाब से इसने बड़ी मेहनत से ये नंदा देवी चढ़ा फिर नंदा देवी में एक दूसरा भी कांड हुआ था कि भाई अमेरिकन्स ने 1967 में उसके ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब जैसा रखने का ट्राई किया था क्योंकि उसकी बड़ी लंबी कहानी है वो कहानी के अंदर भी लाटू इन्वॉल्व था उसके साथ ले जाने के लिए ऑफिशियली था गवर्नमेंट के तरफ से पर पब्लिक को मालूम नहीं था तो उसके अंदर भी लाटू इन्वॉल्व था उसने भी वहां भी काफी मेहनत की और ये टाइम उसकी फैमिली और सब भी डर रहे थे कि भाई ये न्यूक्लियर के अंदर जा रहा है तो उसको कोई तकलीफ ना हो जाए ना लकीली उसको कुछ नहीं हुआ तो वो नंदा देवी में जाके आया और फिर नंदा देवी के बाद अगेन एक आध साल के बाद फिर एवरेस्ट चला और एवरेस्ट चढ़ के आया इंडियन एवरेस्ट एक्सपीडिशन में जो गया था उसके अंदर ऊपर वो चढ़ के आया और फिर ऐसे चलते रहा प्यारे बाजू करके और वो उसका फिर प्रोफेशन हो गया अलग 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 नई नई पीक छोटे छोटे जगह पे चलते रहा पर नंदा देवी एवरेस्ट ऐसे उसके एक दो तीन सबसे बड़े वो क्लाइंट थे अभी सर आपने जैसे बोला कि ही वाज एजुकेटेड शेरपा वो बहुत ही पढ़े लिखे हुए थे और उन्होंने अपने शेरपा कम्युनिटी के लिए भी बहुत सा कंट्रीब्यूशन दिया है सो एक्चुअली व्हाट इज हिज कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द शेरपा कम्युनिटी एंड हाउ द शेरपास आर बेनिफिटेड ड्यू टू हिज कंट्रीब्यूशन वेल शेरपा के अंदर सब ताकत बहुत थी ये बहुत था पर एजुकेशन की बहुत कमी थी कहने का भाई कभी बंदर की पूंछ सीधी नहीं होती और कभी शेरपा भूखा नहीं मरता है दे आर वेरी गुड ट्रेडर्स कभी भी शेरपा को वो कोई तकलीफ नहीं होवे जो हमेशा वो कामकाज कर सकते थे पर उसके पास वो एजुकेशन का वो नहीं था कि जो हिसाब से वो यू नो वो कम्प्लीटली अपना सब काम कर सके ये लाटू का एवरेस्ट का है ये और तो शेरपा के अभी समझो ये आप देखो उस कम्युनिटी के लिए उसने काफी सब मेहनत की है लेफ्ट में लाटू है और राइट में अंग शेयरिंग करके एक शेरपा ही वॉज 90 years हम लोग मिलने गए तभी आज तो नहीं है अभी ये अंग शेयरिंग को भी उसको यू नो अपना राइट्स उसका खाना पीना ये वो पेंशन रहने का घर वो सब के अंदर भी लाटू मदद करेगा और अंग शेयरिंग को भी खुद का पता नहीं था कि वो किसका क्या ग्रेट है 1924 में ही हैड गॉन टू एवरेस्ट विद द ब्रिटिश और आप में से जो किसी को एवरेस्ट की हिस्ट्री मालूम हो तो इससे कहा जाता है कि वो एक्सपेडिशन में इरविन और मैलरी करके दो क्लाइंबर और शायद एवरेस्ट पहले पहुंच गए तो कोई पता नहीं चला और वापिस आए तभी वापिस आए भी नहीं तो उसके बॉडी का अभी बहुत लेटर मिला तो वो उसको लास्ट दिखने वाला था अंग शेरिंग वो लास्ट कैंप में था अंग शेरिंग में पॉडेल करके एक ब्रिटिशर थे वो दोनों ने इस दोनों के साथ शेक हैंड किया मैलरी और इरविन के साथ और फिर वो चले गए और वो लास्ट जो पॉइंट में जो देखा था वो अंग शेरिंग ने उन लोग को देखा तो ऐसे अंग शेरिंग की भी जो हिस्ट्री है वो लाटू ने बैठ के वो पूरा लिखा उसका ये किया उसका पूरा चैप्टर बनाया लिखाई पड़ेगी सो इट इज नॉट ओनली फाइनेंशियल बट बाकी इस तरह से अपनी भी ग्रेटनेस जानने के लिए अपनी कम्युनिटी की ग्रेटनेस जानने के लिए भी लाटू जी ने बहुत काम किया है और उसके बाद जो शेरपा की कहानियां हैं पुराने क्या हुआ कैसे हुआ तो वो भी आप सुनने को बैठो तो एक दो रात निकल गया आराम से तो बट काफी उससे होशियार आदमी है एक दूसरा एक एग्जाम्पल से दो तो हम लोग और लाटू हम लोग घूम रहे थे बाजार में दार्जिलिंग के और ये हम लोग को दिखाए दो शेरपा स्वेटर बेच रहे हैं बाजार के अंदर विच इज अ वेरी ऑर्डिनरी जॉब तो मैंने सरप्राइज हो गया क्योंकि लेफ्ट में है जो बिकेन शेरपा और ये है अपना दानन क्या है तो मैंने ये दोनों इतने ग्रेट क्लाइंबर है तो ये लोग आज बैठ के यहाँ स्वेटर क्यों बेच रहे हैं और दोनों ने HMI के अंदर 30-40 साल नौकरी की है ग्यालजन जो है लेफ्ट में वो मनासलू करके पीक चढ़ा था कैपनीज के साथ
और इतनी खतरनाक पीक थी, उसने इतनी मेहनत की थी वहां के, अल्टीमेटली जो लोग घूम गए तो बोलते हैं कहते हैं कि जूते के सोल चबा चबा के वो लोग ने एक रात अपने को बजा के रखा ठंडी में। और दानामगियल शेरपा वॉज पहला जो एक्सपीडिशन तेंजिंग चढ़ा गया उसमें जबरदस्त सामान उठा के वो साउथ पोल पे पहुंचे और लास्ट कैंप तक उनको सामान लेके गया, उसकी वजह से ही नेक्स्ट डे ये लोग चढ़ सके। तो ये दो शेरपा रिटायर हो गए तो उसको कोई पेंशन नहीं दिया, कंसीडर क्लास फोर शेरपास बाय द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट। तो हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट से रवाना रिटायर हुए तो उसको कोई पेंशन नहीं कुछ नहीं, उनके पास घर था, बच्चे थे, खाना पीना था, परंतु अपना परचुरन जो छोटा मोटा खर्चा ये वो के लिए मुझे चाहिए। तो बोला कितना चाहिए आपको, आपको 300-400 रुपया दर महीना मिल गया तो हम खुश है, पर गवर्नमेंट उतना भी पेंशन देने को तैयार नहीं थी। तो फिर मैंने हमारे साथ कि भाई चलो आप HMI में चलो, हिमालयन वहाँ साहब आए हुए हैं दिल्ली से, अब उससे बात करो। ये दोनों आए वहाँ, साहब को बोला कि भाई हमको सर पेंशन मिलना चाहिए, तो देट फेलो वेरी रूडली से नहीं नहीं मिलेगा भाई जाओ, ये लोग बेचारे गरीब आदमी क्या बोल सकते हैं, इसलिए यहाँ के बैठे और फिर स्वेटर बेच रहे हैं अभी हम, इससे हम टाइम पास हमारा कर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत मिला उससे हमारा चलता है, भूखे नहीं मर रहे थे पर ये भी उसकी तकलीफ थी। सो हम लोग भी यहाँ बैठ के उसको ऐसा भी देखो तो मेरे को बहुत बुरा लगा कि भाई इतने बड़े शेरपा ये कर रहे हैं। तो लाटू उसके साथ हम लोग ने डिस्कस किया और लाटू ने भी बताया कि मैंने कुछ उसको करना चाहिए। तो जब ये जैपनीज और ये अंग्रेज जिसके साथ दानामगियल उनको मालूम पड़ेगा कि नहीं हम उसको पैसा भेज देते हैं, तो नहीं ये दोनों ने ना कहा और लाटू ने भी कहा ऐसे नहीं चाहिए हमको, चैरिटी से पैसा नहीं चाहिए, ये दोनों को तो आप भेज दोगे 300-300 रुपया करते हर महीने का, परंतु बाकी का क्या, बाकी आगे भी जो लोग रिटायर होंगे दूसरे भी जो लोग हैं उसका क्या है, हम लोग को ऐसा चैरिट नहीं करना है, पर एक रूल रेगुलेशन बनाया है सरकार के अंदर के जिस तरह जो शेरपा है उसको इतना मिलना चाहिए, वो भी अगर ऐसा चैरिटी करते करते भी कब तक चलेगा, बट तो ये गवर्नमेंट वाले सब सुनते नहीं थे। तो फिर हमने ये फोटोग्राफ लिया, आजू बाजू वो दो शेरपा जो स्वेटर बेचते हैं और बीच में लाटू खुद खड़ा है जवान एंड वर्किंग इन HMI, और इसके नीचे हमने बड़ा किया दो दार्जिलिंग के स्वेटर बेचने वाले और बीच में एक फ्यूचर का स्वेटर बेचने वाला, ये भी रिटायर होगा ये भी यहाँ स्वेटर बेच के बैठा हुआ। सो ये जो इससे हम टॉन्ट मार के ऐसा लिख के दिया है टू स्वेटर सेलर्स एंड वन फ्यूचर स्वेटर सेलर, ये मैंने पब्लिश किया और ये बहुत जगह पब्लिश हुआ, फॉरेन के प्रेस के अंदर, इंग्लैंड में, दिल्ली में, सब जगह पे, और इसके लिए गवर्नमेंट पे और या इंडियन माउंटेनियरिंग फंड पे काफी प्रेशर आया कि भाई शेरपा को आप ऐसे ट्रीट नहीं कर सकते, क्योंकि इतने ये बड़े अच्छे अच्छे शेरपा है उसको आप कुछ नहीं दो। तो फिर विद इन 6 महीने के अंदर वो लोगों ने सब रूल चेंज किए और दे वर इंक्लूडेड इन पेंशंस, टुडे ऑल शेरपास रिटायरिंग रिसीव पेंशंस फ्रॉम गवर्नमेंट, पर्टिकुलरली ये दो तो बेचारे अभी मर चुके हैं, पर तो अभी जितना भी लोग हो गए उसको पेंशन मिलेगी, लोगों को जो चैरिटी नहीं जोती थी और अपना राइट जोता था तो अधिकार भी उसको मिला, और वो हिसाब से भी लाटू ने बहुत बड़ा काम किया। बाकी तो उसने शेरपा बुद्धिस्ट एसोसिएशन शेरपा के अंदर बाकी भी बहुत सब काम किया है छोटा मोटा और काफी हर एक को मदद करते हैं। तो ये आज लाटू 80s में अपने घर में बैठा है, उसके पीछे वाइफ है, उसके पीछे है और घर के अंदर वो बैठ के काफी वो आराम से कर रहे हैं। तो आज हैप्पीली वो शांति से बैठ के अपना घर में काम करता है। दार्जिलिंग गए तो 2-4 दिन तक बात करने पूरा नहीं होता है। सर दोरजी लातू के टाइम पे उनको छोड़ के दार्जिलिंग में और कौन से शेरपा थे कि जो बहुत ही काबिल थे? Well, वो टाइम एक दो तो मैंने आपको दिखाया, एक अंग शेरिंग थे वाज वेरी गुड, दूसरा एक वांगडी करके था, वांगडी शेरपा जो अल्टीमेटली वो छोड़ के वहां से वो चला गया मनाली को, और बाकी तो बहुत से शेरपा थे छोटे छोटे मोटे मोटे अलग अलग हो गया भाई वो टाइम। फिर शेरपा सब नेपाल चले गए क्योंकि नेपाल के अंदर वापिस एवरेस्ट खुल गया और सब लोग सब वो नेपाल जाने लगे, तो वो हिसाब से वो कम्प्लीटली वो फिर वहाँ शेरपा की कहानी पूरी हो गई। और आजकल जो दार्जिलिंग में शेरपा के चिल्ड्रन है वो है, पर बाकी बाकी का कोई आजकल फेमस शेरपा इतने रहे नहीं है। सर अभी नाउ वी आर यस सर सो नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द मोस्ट अवेटेड सर क्रिस बॉनिंगटन। मला सगळ्या ऍक्च्युअली व्ह्युअर्सना हे सांगायचंय की आता क्रिस बॉनिंगटन हे नाव आपण सगळ्यांनी ऐकलेलं असेल, एक अत्यंत गाजलेलं अत्यंत सिनियर असं आपल्या फील्डमधलं व्यक्तिमत्व आहे आणि आता त्यांच्या संपूर्ण प्रवासाची स्टोरी आपण हरीश सरांकडनं जाणून घेतोय। मला कॉन्फिडन्स आहे की आतापर्यंत हे जे दोन लेजंड सरांनी सांगितले
तर त्यांच्या या सगळ्या स्टोरीज तुम्हाला 100% आवडलेले असतील आणि आजचा प्रवास आपण असाच सुरू ठेवणार आहोत. सर, मुव्हिंग टुवर्ड्स सर क्रिस बॉनिंगटन, व्हॉट वॉज ऍक्च्युअली अ बॅकग्राऊंड ऑफ द क्रिस बॉनिंगटन और उनका मतलब टुवर्ड्स ग्रेटनेस जो जर्नी शुरू हुआ वो कैसे शुरू हुआ? वेल सर, क्रिस बॉनिंगटन वो भी पहले सर तो उसको खिताब बाद में मिला, परंतु वो वहां पे इंग्लैंड में बड़ा हुआ और धीरे 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 वो आगे बढ़ते गए. उसकी पूरी स्टोरी तो आपको बताऊंगा, बट जब मैंने उसको पहली बार मिला वो हमारे घर पे जो आए थे, तो वो भाई व्हाट टाइम तक उसने 92 तक भी 13 बुक्स लिखे थे, बड़ी 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 फेमस बुक्स. तो हम लोग ने 13 बुक्स का पूरी थप्पी लगा के ली और उसको वो लिखने के लिए बिठाया, सिग्नेचर करने के लिए. सो यू कुड सी कि ऑलरेडी ही वाज अ ग्रेट मैन. आज तो उससे भी काफी हो गया, अभी तो काफी बूढ़े भी हो चुके हैं, परंतु वो बुक लिखी है उसके बारे में वो काफी फेमस था. अभी कोई आदमी फेमस बनने के लिए ऐसे ही फेमस नहीं होता है, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है. और वो टाइम जो आया था, हम लोग ट्रैकिंग सह्याद्री के अंदर अपना घूमने को गए. वो टाइम माथेरान गए थे और रग्बी होटल में उसको एक गुजराती थाली पूरी खिलाई और इतना उसने खा लिया कि फिर उसका आंख ही नहीं खुली रहती. तो फिर बाजू में पे मास्टर पार्क के बेंच पे वो सो गए सर मॉनिंगटन, और इतना जोरदार नस्कोरे बुला रहे थे क्योंकि इज फेमस फॉर स्नोरिंग, तो पूरा माथेरान मेरे ख्याल से हिल गया होगा. तो ऐसा ही ये लोग में मेन चीज है कि अपने समझो कि मिनिस्टर लोग है कि ये बड़े लोग है, ऐसा लोकल ट्रेन में नहीं चढ़ेंगे, बेंच पे नहीं सोएंगे, ये लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता है. सर बॉनिंगटन हमारे साथ लोकल ट्रेन में आए, थर्ड क्लास में गप्पा मार के अंदर घुस गए और पे मास्टर पार्क में सो गए. ऐसे माउंटेनिंग वाले इनफॉर्मल बहुत रहते हैं. तो 83 में फर्स्ट टाइम एन ही केम टू दिल्ली, नॉट फर्स्ट टाइम बट मेनी टाइम, तभी हम लोग पहली बार मिले. हियर इज टॉकिंग टू गीता एंड जिम फोदरिंगहम. सो वो दोनों लोग आए थे कुछ टाइमिंग के लिए यहाँ पे, और इंडियन माउंटेनिंग फाउंडेशन का 25 साल पूरा हो रहा था, वहां हम लोग मिले. तो वी फाउंड हिम वेरी इजी टू टॉक टू, बाकी हम समझे कि इतना बड़ा क्लाइंबर है उससे साथ कैसे बात करनी है, हमको बच्चे है अभी, परंतु नहीं कंफर्टेबली आराम से बात करता है कंप्लीटली, और खाना पीना शेयर एवरीथिंग करके उसका वो पूरा चलता है. और उसकी शुरुआत हुई इंग्लैंड से. और ये मोटर बाइक में उसके आगे बैठे एक डॉन विलन्स करके हैं इंग्लैंड का, वेरी सॉलिड क्लाइंबर, कोल माइनर था बट स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग क्लाइंबर. और भाषा के अंदर भी कोल माइनर जैसी भाषा, सेकंड वर्ड में गाली दे दी तो कोई नई बात नहीं है. तो वो और बॉनिंगटन को, दोनों को दोस्ती जम गई और वो और बॉनिंगटन इंग्लैंड के अंदर काफी चढ़ने लगे और धीरे 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 जाके वो आल्प्स के अंदर चढ़ने लगे. आल्प्स के अंदर एक पीक है आइगर, नॉट हाईएस्ट पीक बट आइगर करके एक पीक है, उसका एक उत्तरी भाग नॉर्थ फेस है विच इज कंसिडर्ड वेरी वेरी डेंजरस. वो कोई चढ़ नहीं सकता था जल्दी, लॉट ऑफ एक्सीडेंट हुआ, लॉट ऑफ मारामारी हुई उसमें. सो नॉर्थ फेस ऑफ आइगर वॉज द मोस्ट चैलेंज. तो डॉन विलन्स और क्रिस बॉनिंगटन फर्स्ट टाइम ये दोनों वो नॉर्थ फेस ऑफ आइगर चढ़ने को गए पहली बार. तो वहां वो लोग कुछ रेस्क्यू में इन्वॉल्व हो गए, जो लोग थे वहां बाकी की टीम में तकलीफ होगी उसको बजा के लाए. देन दे वेंट एंड क्लाइम्ड दिस नॉर्थ फेस ऑफ आइगर फर्स्ट, दैट मेड हिम फेमस. भाई विलन्स के साथ ही ये पूरा ये चढ़ गया अने दैट वाज हिज वेरी गुड बिगिनिंग ऑफ यू नो गोइंग टुवर्ड्स द हिमालय. ही गॉट मैरिड वेरी अर्ली एंड दिस इज दिस कमिंग आउट ऑफ द चर्च आफ्टर मैरिज. एंड ऐसा ही भी बहुत पैसा पागलपन करते थे और ट्राइंग आउट न्यू हेलमेट्स. वो हेलमेट माउंटेनिंग के लिए फिट है कि नहीं, तो पहन के बेटा ऊपर से हथौड़ी मार रहे हैं कि इधर उसको अंदर चलता है कि नहीं. ये सब माउंटेनियर लोग ऐसा नया जूती बहुत चीज करते रहते हैं. सो दिस इज टेस्टिंग आउट द न्यू हेलमेट एंड देर आर लॉट्स ऑफ कार्टून अबाउट हिम एंड लॉट ऑफ इज राइटिंग अबाउट हिम एंड हिज फैमिली. सो दिस इज वन यू कुड सी बॉनिंगटन और उसके बारे में, फादर के बारे में. This one is very famous countdown. The Bonington snores. It's official. The Bonington tent के अंदर इतना snore करे कि आप उसके आजू बाजू में के रह नहीं सकते. हम लोग भी सर expedition उसके साथ गए तो उसका tent जरा दूर लगाना पड़ता है कि नहीं तो रात भर आपको सोने को नहीं मिले, उसका जोरदार snoring चालू हो जाए. तो और हमारे पोर्टर्स को भी कभी उसके किचन के बाजू में टेंट लगा हुआ तो वो लोग भी ऑब्जेक्शन लेके सर इधर नहीं, हमको रात भर सोने नहीं मिलेगा, उसको वो बाजू ले जाओ. तो बॉनिंगटन का स्नोरिंग इज वेरी फेमस. और दूसरा ये भी है कि उसका स्नोरिंग लाउड एंड क्लियर नहीं है, पर कभी कभी ऊपर नीचे स्नोरिंग होता है.
एक दिन हम लोग सुबह को उठे तो पूरा एक टूरिस्ट का ग्रुप उसका टेंट के आजू बाजू बैठ के देख रहा था, अंदर स्नोरी का आवाज आ रहा था। तो बोला क्या हो गया, हमारे हिसाब से अंदर कोई जानवर फंस गया, कोई जानवर नहीं फंसा सर, वॉनिंगटन सो रहे, उठाओ उसको, क्योंकि उसका स्नोरिंग वॉज वेरी अप एंड डाउन, एनिमल को ब्रीथ करता है सर। तो ऐसी काफी उसके बारे में मजा हो रही हो, मजा आप उसको भी कर सकते हो, और एक्सपेडिशन और जब प्लानिंग है तो इज वेरी परफेक्ट। उसका जो आप कामकाज देखोगे, उसका जो दिखाई पढ़ाई देखो तो अप टू डेट, और इंग्लैंड के अंदर मेजर एक्सपेडिशन और बड़ा क्लाइंबिंग की शुरुआत सब उसने की, जो हम अभी देखेंगे। इंडिया के अंदर वो आके शिवलिंग के वेस्ट पीक चढ़ाए और फदरिंगम 1983 में, कि जो बड़ा खतरनाक क्लाइंब था, नीचे का और ऊपर का भी, खास करके पैच समिट पे जाने के लिए, तो इट बिकेम अ वेरी फेमस क्लाइंब उसका, शिवलिंग वेस्ट पीक। एंड देन हम लोग 85 में पहली बार साथ में आने वाले थे, वो वेनाबल्स के साथ जो गए थे रिमो एक्सपेडिशन में, सियाचिन ग्लेशियर में, और वो भी आने वाला था हमारे साथ, और फिर उसका लास्ट मिनट अबाउट 2 महीने पहले ही आया मुझे लेटर, वो टाइम ईमेल नहीं था, कि भाई मुझे नॉर्वेजियन ने एवरेस्ट आने के लिए इनवाइट किया है, मेरे ख्याल से मैं एवरेस्ट जाऊंगा, क्या बेसिकली क्या मेरे को हर एक लेक्चर में लोग पूछते हैं तो एवरेस्ट चढ़ा है, एवरेस्ट चढ़ा है और मैं नहीं चढ़ा तो उसको क्या बोलना, सो एज अ रिजल्ट लेट मी गो एंड फिनिश ऑफ एवरेस्ट। तो क्यों एवरेस्ट गया, ये परतंबा के साथ गया, उसका भी एक बड़ा अच्छा दोस्त है, नेपाल का फेमस शेरपा है, परंतु मेन आदमी का वो है कि एवरेस्ट चढ़ने के बाद भी वापिस आया, तो मैंने उसको लिखा कि भाई कॉन्ग्रेचुलेशन क्रिस, एवरेस्ट चढ़ गया। नहीं नहीं मैं तो एवरेस्ट चढ़ गया, मेरे को 4 लोग गधे की तरह ऊपर ले गए उठा के, परंतु आप लोग ने जो रिमो में किया है क्लाइंबिंग और एक्सपेडिशन, दैट इज फार मोर वर्थी, मैंने पूरा मिस किया। और तो इस तरह का छोटा फुट क्लाइंब मैंने मिस किया, पर एवरेस्ट तो ठीक है, मैंने पता डाला कि इसको पूछे चढ़ा है तो कहा चढ़ा बोलने के लिए। इसलिए इतना भी दिमाग ठिकाने रखना और जानना कि भाई क्या अच्छा है क्या बुरा है, एवरेस्ट की हाइट होगी, परंतु क्लास था वो रिमो में था, तो समझ के उसने वो बराबर वो हिसाब से हमें बताया। और इसके बाद फिर स्लोली उसको एक ये सर का खिताब मिला, और ये राइट में उसकी वाइफ बेंडी, वेरी नाइस फेमस लेडी, शी पास्ड अवे इन अराउंड 10 इयर्स बिफोर। सो नाउ बॉनिंगटन के साथ हमारा दोस्ती था और कॉन्स्टेंटली इधर वो आते चलते चलता रहा। So, as a result, this is his famous expedition called Annapurna South Face. ये पूरा आप रास्ता देख सकते हो, ये पूरा ये रास्ते से ये completely ये ऊपर गया है, और इसके अंदर हर एक जगह पे काफी, इसके लिए भी उसने इंग्लैंड की एक टीम तैयार करी, which he was very good at.